अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। दो हफ्ते हो गए थे यार, कोई व्लॉग नहीं था किया। व्लॉग था मतलब एडिट नहीं कर सका, जरा इनकम्प्लीट सा था। बाकी रूटीन ऐसी थी, जरा बिजी रूटीन थी। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ, कैप्शन से आपको वाजे हो रहा होगा, अ डे विद फ्रीजियंस। मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होगा कि यार अब ये फ्रीजियन क्या चीज है। फ्रीजियन ब्रीड है जिसको पूरा नाम होल्स्टीन फ्रीजियन है, और ये तीन ओरिजिन है इसके, डच ओरिजिन है, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है और अमेरिकन ओरिजिन। अमेरिकन ओरिजिन की जो गाय है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, और हमारे यहाँ युवास के फॉर्म पे अमेरिकन ओरिजिन की गाय है। अभी तक मैं और आप या मेजोरिटी ऑफ आप लोगों में ये पता होगा यार, लोगों ने घरों में गाय भैंसें रखी होती हैं तो क्या सीन है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बी ब्लॉक, उधर से आपको दिखाऊंगा कि कैसे शेड होता है, कैसे ये गाय पलती हैं, इनको टेम्परेचर क्या चाहिए, इनके मिल्किंग प्रोसीजर क्या है, कैसे इनकी मिल्किंग होती है, और एक गाय 40-50-60 लीटर दूध कैसे देती है दिन में, कितनी दफ़ा मिल्किंग होती है। तो आज अभी हम जा रहे हैं बी ब्लॉक, और मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं फातिमा नूर और ये उस्मान चिश्ती। हम तीनों जा रहे हैं अभी बी ब्लॉक। उस्मान चिश्ती हमारे साथ डेयरी एक्सपर्ट है, और ये फातिमा भी ज़रा डेयरी मैडम बनी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बी ब्लॉक, तो या फिर आपसे बी ब्लॉक में। तो ओके फिर। जैसे ही हम शेड पे पहुंचे तो कॉज का लास्ट बैच मिल्किंग के लिए मिल्किंग पार्लर में खड़ा था। मिल्किंग करने से पहले हमने अडर की और टीट्स की क्लीनिंग करनी होती है। अडर और टीट्स की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले हम टीट्स को प्री डिप में डिप करते हैं। ये आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है। सबसे पहले हम उसको उसमें डिप करते हैं, उसके बाद हम टीट को वॉश करते हैं। टीट को वॉश करने के बाद हम एक या दो स्ट्रीक्स जो पहली मिल्क की होती हैं जिसमें बैक्टीरियल लोड पॉसिबली ज़्यादा होता है, हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हम टॉवल से या टिश्यू पेपर से टीट को अच्छी तरह क्लीन करते हैं। टॉवल से और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह क्लीन करने के बाद फिर हम टीट्स के ऊपर कप्स लगाते हैं। जैसे आपने देखा कि मिल्किंग हो चुकी है, मिल्किंग के बाद अब मैं आ गया हूँ एक शेड में। अभी मैं आपको फॉर्म का ओवरव्यू दूंगा। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के शेड हैं, मतलब 4-5 शेड बने हुए हैं, और उनकी कैटेगरी बेसिस पे की है कि काओ किस स्टेज पे है, प्रेगनेंसी का क्या स्टेज है, प्रोडक्शन क्या है, उसके हिसाब से उनकी न्यूट्रिशन है। तो अभी मैं आपको चेक कराऊँगा, और अभी मिल्किंग हुई है, उसके बाद जानवरों को फीड ऑफर कर दी गई है। और ये कॉर्न साइलेज है, मिक्स TMR, टोटल मिक्स राशन होता है, इसमें सब कुछ मिक्स है। आप पीछे मेरे दे सकते हैं कि सारी गाय खाना खा रही है, और ये हीफर्स हैं छोटी, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स की हैं ये, और ये नॉन लैक्टेटिंग है, वो लैक्टेटिंग है, और ये वो हैं जो कि अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने काविंग की हुई है अपनी, एक दफ़ा उन्होंने बच्चा दिया हुआ है इन शॉर्ट। तो अभी सारी गाय खाना खा रही हैं, तो खाना खाते हुए ज़रा कुछ सिनेमैटिक्स चेक करें।
तो यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब क्या है? हमें ना एक्टिविटी मिली थी एक असल में कि हमने स्कोरिंग करनी थी काउस की हेल्थ की और काउस सिग्नल देखने, तो ये देखना था कि यहाँ पे मतलब हाइजीन का स्कोर क्या है, ठीक है ना, हाइजीन का और क्या क्या हाइजीन स्कोर और अदर स्कोरिंग देखने, तो उनका बॉडी कंडीशन असल में हमने देखा, मतलब बॉडी दिखा रहा था कि काउस सिग्नल क्या है कि हेल्थ में, ठीक है ना, तो हम लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब कि इधर मुख्तलिफ सारे मुख्तलिफ शेड्स हैं, मुख्तलिफ पार्टीशन की हुई हैं, किसी जगह पे हीपर्स हैं, किसी में जिन्होंने पहली दफ़ा पाँच रेड किया है जो पाँच रेड करने वाली है, और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं उसका पाँच ये लैक्टेटिंग काउस है, ये लैक्टेटिंग काउस, ठीक है, एडल्ट काउस है, मतलब जो बिल्कुल फ्रेश होती है, जो बिल्कुल पहले अभी बच्चा देती है ना, उस सेक्शन में वो जो पीछे है, ठीक है, जो अर्ली जो होती है, और यहाँ पे बाकी लैक्टेटिंग मतलब उनकी डाइट के हिसाब से यहाँ पे उनकी सेक्शनिंग की हुई है ना, जो कुछ एनिमल्स पे रिसर्च ट्रायल चल रहे हैं वो शेड में, वो भी, और जो हीफर्स हैं वो उस साइड पे हैं, और इधर ये साइड जो लैक्टेटिंग जो काउस है ना वो यहाँ। इसी तरह हर शेड के साथ फीडिंग एरिया, फीडिंग एरिया के बाद जो मैंने आपको बंकर्स दिखाए, बंकर्स हैं, फीड टैंक है, उसके बाद ये ओपन एरिया है जहाँ वो सारे जानवर खाना पीना खा के पानी शानी पी के आगे रेस्ट करते हैं, जुगाली करते हैं और अपना रेस्ट करते हैं, खुराक को हजम करते हैं। तो मेनली स्ट्रक्चर जो है हर शेड का वो ये सेम है। अच्छा यार, फातिमा ने और चिश्ती ने तो आपको इन्फो दे दी है कि किस तरह यहाँ डिवाइड हैं, कैसे शेड हैं जो चार पाँच बने हैं, उनमें कैसे डिवीजन की गई है जानवर के और किस तरह जानवर रखे हुए हैं। तो अभी मैं जहाँ हम पहले सबसे गए थे वो मिल्किंग पार्लर था, वो आपने सारा देख लिया। मिल्किंग पार्लर का मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा दूंगा कि मिल्किंग पार्लर में कैसे दूध जाता है, लाइनिंग से कैसे हो के किस जगह स्टोरेज होती है, कहाँ पैकेजिंग होती है, कहाँ से फिर दूध बिकता है। और बाकी अभी हम निकल रहे हैं शेड से, और जो थोड़ी बहुत हमारी थी एक आधी एक्टिविटी थी, हमने चार पाँच चीज़ें नोट करनी थी, बॉडी कंडीशन देखनी थी एनिमल्स की, उनकी हाइजीन देखनी थी कि वो साफ़ सुथरी हैं या क्या गंदी शंदी हैं, पेस्टिंग है, क्या सिलसिला है। तो अभी हमने वो सब कुछ कर लिया है, अभी हमारी एक्टिविटी हो गई है ख़त्म, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमें इधर हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद हम आपको थोड़ी ओल्डर कॉज दिखाएंगे और कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स की रिसर्च चल रही है, तो उनको कोई न्यूट्रिशन बेसिस कोई रिसर्च है वो वाले एनिमल्स हैं। तो अभी हम पहले हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल शेड पे, उसके बाद हम जाएंगे मिल्किंग पार्लर। तो चलें, चिश्ती इधर काफ़ी आता रहता है तो चिश्ती से ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के बारे में, मैं इधर ज़रा कम ही आता हूँ तो चिश्ती से पूछते हैं, क्योंकि आप पीछे देख सक रहे हैं कि हर एनिमल की अलहदा से पार्टीशन की हुई है। तो मैंने अभी इससे यही पूछा है कि पार्टीशन की हुई है, इसने मुझे बताया, लेकिन आप इसे खुद ही सुनें। हाँ यार चिश्ती, ये पार्टीशन क्यों की हुई है जानवरों की? एक्सपेरिमेंटल काउस शेड है, मतलब यहाँ पे हमने सब काउस को पार्टीशन की हुई है और यहाँ पे न्यूट्रिशन सबका अलहदा अलहदा मतलब उनको प्रोवाइड करें, और फिर हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट बाद में क्या आ रहा है, मतलब उनके मिल्क प्रोडक्शन पे, और फिर जो पार्टीशन के बाद मतलब बच्चा देने के बाद उनके क्या इफेक्ट आते हैं। तो ये असल में PhD वालों की रिसर्च चल रही है, रिसर्च जो HEC। चलो यार शुक्रिया, चलो हमें ये पता चल गया यार रिसर्च चल रही है, इतना मुझे आइडिया था एनिमल लेदर लेदर तो कोई एक्सपेरिमेंटल सीन ही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल शेड बाहर लिखा भी होगा। एक्सपेरिमेंटल के बाद आपको मैं दिखाता हूँ मिल्किंग पार्लर, और लेकिन यार मिल्किंग पार्लर से पहले आप ये ज़रा ये एक्सपेरिमेंटल का एक दफ़ा खुद पढ़ लें क्या सीन है क्या नहीं। अच्छा तो आपने पहले मिल्किंग पार्लर देखा था, अभी फातिमा हमें मिल्किंग पार्लर का टूर देंगी, ये सारी मशीनरी लगी हुई है और फातिमा हमें बताएंगी कि मिल्किंग पार्लर कैसे ऑपरेट होता है। बहुत शॉर्ट करके बताऊंगी सबको, ये है अदर क्लस्टर्स के साथ, ये चार क्लॉज लग रहे हैं जो कि चार टीथ्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मिल्क कलेक्ट होके इस ब्लैक पाइप के थ्रू इसके अंदर जाता है, इसके ऊपर हमें रीडिंग लिखी होती है, ये डिटेक्ट करता है, सेंसर होता है, इससे रीडिंग हमारे पास आती जाती है कि कितना मिल्क आ रहा है, किस फ्लो रेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ये जो सिल्वर कलर की पाइपलाइन है, या अगर आपको दिखाया सामान तो वो उस बड़े से सिलेंडर जिसको हम चिलर कहते हैं उधर जाता है, वहाँ पर मिल्क ठंडा होता है और वहाँ से फिर ये बाहर दूसरे रूम में हमारे पास कलेक्ट होता है। सारे क्लॉथ से ये सिल्वर पाइप के थ्रू ये चिलर है जिसके अंदर आता है, कलेक्ट होता है, और यहाँ से फिर ये आगे रूम वॉल होता है जिसका हमारे दूसरे रूम में पैक होता है। तो दूसरा रूम इसमें यार सॉरी थोड़ी लाइट कम है तो, लेकिन फातिमा हम एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा ये आपको पैकेट्स नजर आ रहे हैं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि एक पैक में इतने लीटर आएगा, और ये ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू उसके अंदर भरा जाता है, फिल
यूवास में मिलेगी, लाहौर कैंपस से भी मिल जाती है और पतोगी कैंपस से भी मिल जाती है। और आप प्रोडक्ट का नाम देख लें, यूवास डेरी प्योर। चले मिल्किंग पार्लर से बाहर आ गए हैं, वो आपके भाई की सवारी खड़ी है, अब उसमें बैठना है और हमने वापस जाना है। तो यार ये था आज का व्लॉग, कोशिश करूँगा कि मैं अभी कंसिस्टेंट होने की, एटलीस्ट वंस अ वीक व्लॉग ज़रूर आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक किसी अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए उसामा को दें इजाज़त। अच्छा अभी हम आए हैं यार टोटल पम्प पे, टोटल पम्प पे इधर बड़ी अच्छी कॉफ़ी और चाय मिलती है, तो अभी चिश्ती गया हुआ है कॉफ़ी लेने। मैं इनको कॉफ़ी पिला रहा हूँ यार, व्लॉग बनवाया था मैंने, इनको कहा था दोनों को पिलाऊंगा, तो चिश्ती कॉफ़ी लेने गया हुआ है तो वो आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट्स में कर सकते हैं, और नहीं तो मेरा फेसबुक पेज है उसामा आज़म के नाम से, सेम DP है, आप उसको लाइक करके उस पर लाइक कर लें, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है लेकिन कर दें तो अच्छा है। आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका उधर आंसर दे सकता हूँ। आप मुझे YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, Instagram पे मुझे फॉलो करें, वीडियो के एंड पे Instagram का यूज़र नेम आएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने Facebook पेज और Instagram का दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे काइंडली फॉलो करें। उधर आपको कोई बात हो, आपने डेयरी फार्मिंग के हवाले से पूछनी हो, आपने कोई भी पेट्स के बारे में पूछनी हो, आपने कोई भी डेली लाइफ के बारे में पूछनी हो, किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई व्लॉगिंग पे आपने बात करनी हो किसी भी तरह का, तो आप ज़रूर मुझे वहाँ रीच कर सकते हैं, हम ज़रूर वहाँ बात करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमेशा सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की वजह से ही चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू सो मच, बस कॉफ़ी आ रही है उसके बाद हम निकल रहे हैं, तो उसामा को दे इजाज़त, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। फाइनली टी इज़ हियर। अच्छा यार इजाज़त दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते हैं बंदा और मोटिवेट होता है, ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।